अपने YouTube चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज कुक विद शेता में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मशरूम की सब्जी बनाने की रेसिपी। आप इस तरीके से अगर सब्जी बनाएंगे मशरूम की तो ये सबको बहुत ही पसंद आएगी, तो एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अपने नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं मेरे आपको तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मशरूम की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम मशरूम ले लें, उसको क्लीन कर लें अच्छी तरह से और कट कर लें। तो मशरूम को कैसे क्लीन करते कैसे कट करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने इसका वीडियो पहले ही शेयर किया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रही हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें और लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं कि मशरूम को कैसे क्लीन और कट करना है। और दो प्याज ले लें, दो टमाटर ले लें, उनको कट कर लें, बहुत बारीक करने की जरूरत नहीं है। और दो प्याज ले लें, उनको बारीक कट कर लें। फिर उसके बाद कुछ खड़े मसाले लेने हैं, थोड़ा सा जीरा, दो छोटे टुकड़े दालचीनी के, दो लौंग, दो हरी इलायची, आप बड़ी इलायची भी ले सकते हैं एक, और एक तेज पत्ता ले लें। अब हमें लेने हैं मसाले, तो धनिया पाउडर ले लें आधा चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक ले लें और थोड़ी सी हल्दी ले लें, और एक चम्मच मीट मसाला ले लें। मीट मसाला यूज नहीं करते हैं तो एक चम्मच गरम मसाला ले लें, और आधे चम्मच अब सब्जी मसाला ले लें। अब तीन बड़े चम्मच ऑयल मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दें। जब ऑयल हो जाता है तो जो कट करके मशरूम हमने रखे थे उनको इसमें डाल दें, और फ्राई करना है हमें इन्हें तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। तो इनको बराबर से आप चलाते रहें और जब ये ब्राउनिश हो जाते हैं तब इन्हें आप निकाल लें। ये देखिए गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं हमारे मशरूम, यानी कि फ्राई होकर के अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। तो इन्हें अलग प्लेट में निकाल लें, और जो ऑयल बचा हुआ है उसमें जीरा, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी और हरी इलायची, ये सारे खड़े मसाले आप डाल दें। और जब ये अच्छी तरह से हो जाते हैं तो अब इसमें प्याज ऐड कर दें, और बराबर से चलाते रहना है हमें इन्हें जब तक ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। और ये देखिए हमारे प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें टमाटर ऐड कर दें, थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, और हमें इसे मीडियम फ्लेम पे बराबर चलाते हुए पकाना है जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते हैं पूरी तरह से। जब अच्छे से टमाटर गल जाते हैं हमारे, तो थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने दें, और ठंडा होने के बाद आप इसे पीस लें मिक्सर में और स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लें। फिर चार बड़े चम्मच ऑयल मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दें। जब ऑयल हो जाता है तो जो बारीक कट करके हमने प्याज रखी हुई थी उस प्याज को इसमें ऐड कर दें, और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक इसको बराबर से चलाते रहना है। जब प्याज हो जाती है तो जो मिक्सर में हमने पेस्ट बनाया था प्याज और टमाटर का उसको ऐड कर दें, और एक चम्मच अदरक और मिर्च का पेस्ट भी इसमें डाल दें और अच्छे से भून लें। थोड़ी देर के बाद हमें जो सारे मसाले हमने लिए थे वो सारे मसाले इसमें ऐड कर देने हैं, और अच्छी तरह से हमें इसे चलाना है बराबर से ताकि ये लगे नहीं और अच्छी तरह हमारे मसाले पक जाएं। जब ये ऑयल रिलीज करने लगता है इसका मतलब है कि ये हमारे मसाले पक करके तैयार हो गए। अब इसमें मशरूम ऐड कर दें, और फिर थोड़ा सा इसको फिर से हमें चला लेना है, यानी 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से हमें फिर से भून लेना है, और फिर इसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। मैं इसमें लगभग 1 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ, इसको थोड़ा गाढ़ा ही रहने दें, तो पानी बहुत ज्यादा ना करें, थोड़ा सा गाढ़ी ही बनाए तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसको चलाने के बाद 5 मिनट तक पकने दें। फिर इसके बाद जो आधी कटोरी ताजी मलाई हमने ली थी तो उसको इसमें ऐड कर दें, थोड़ा सा चला दें, और कसूरी मेथी ले लें हाथ से क्रश करके इसमें डाल दें, और फिर इसको बंद कर दें, यानी कि फ्लेम को बंद कर दें, और गर्मा गर्म ये सब्जी आप सर्व करें, ये बहुत ही डिलीशियस होती है, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।